हेलो फ्रेंड्स, समीर इज हियर अगेन। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड रिटन बाय जीएल फ्रेंड्स। बिफोर यू रीड, आइए पढ़ने से पहले देखते हैं क्या है। दे से फेथ कैन मूव माउंटेंस, ऐसा कहते हैं लोग कि आस्था पर्वत भी हिला सकती है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन सवाल यह कि आस्था हमें आखिर रखनी किस में होगी। This is the question this story delicately poses, जिसे यह कहानी बड़ी ही कोमलता के साथ बताती है, वर्णन करती है। लंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रियूंड। लंचो एक किसान है जिसकी फसलें नष्ट हो जाती है। वह क्या करता है? आस्किंग फॉर 100 pesos, वह भगवान को पत्र लिखकर 100 pesos की मांग करता है, डिमांड करता है। Does Lancho's letter reach God? क्या लंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है? Does God send him the money? क्या भगवान उसको पैसे देते हैं? Think of your own answers to these questions and guess how the story continues before you begin to read it. इन प्रश्नों के उत्तर सोचिए और पढ़ने से पहले अनुमान लगाइए कि कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। ओके फ्रेंड्स, चैप्टर शुरू करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अल्लो हिल। पूरी घाटी में इकलौता मकान एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। उस ऊंचाई से कोई भी इंसान नदियों को और उन पकी हुई फसलों को देख सकता था बड़ी आसानी से, और उन फसलों को देखकर ये जरूर अंदाजा लगाया जा सकता कि वास्तव में फसलें बहुत अच्छी हुई हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। पृथ्वी को केवल तेज वर्षा की आवश्यकता थी, नहीं तो कम से कम एक बौछार की ही। थ्रू आउट द मॉर्निंग लंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग else but see the sky towards the northeast. Intimately means closely friends. लंचो जो अपनी फसलों को बहुत अच्छे जानता था, अपनी खेत को बहुत अच्छे जानता था, had done nothing else. उसने कोई और काम नहीं किया सिवाय किस चीज के, but see the sky towards the north. उत्तर पूर्व की ओर आसमान को देखने के अलावा उसने कुछ नहीं किया। Now we are really going to get some water. Woman. Woman यहाँ पर कौन? अपनी पत्नी से कहता है, क्या लगता है कि अब हम लोग कुछ पानी आसार हैं? द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड। वो स्त्री जो रात का भोजन पका रही थी उसने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ सब भगवान की मर्जी है, यानी अगर भगवान ने चाहा तो बिल्कुल बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड्स व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे और जबकि छोटे वाले घर के पास में खेल रहे थे। तब तक खेल रहे थे जब तक कि स्त्री ने यानी उनकी माँ ने उन्हें ये कहकर नहीं बुलाया, आ जाओ भोजन के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील भोजन करते वक्त। जस्ट एज लंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। जैसा कि लंचो ने पहले से अनुमान लगा रखा था, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. उत्तर पूर्व में बड़े बड़े बादल आते हुए देखे जा सकते थे। The air was fresh and sweet. हवा ताजी व मधुर थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. वह आदमी किसी और कारण से नहीं बल्कि इस खुशी में बाहर निकला था कि अभी अपने शरीर के ऊपर बारिश की बूंदों का अनुभव करेगा। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आया बहुत ही आश्चर्य के साथ बोला, दीज एरेंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई दे आर न्यू कॉइन्स। ये आसमान से गिरती हुई ये बारिश की बूंदे नहीं है तो कुछ अलग ही प्रकार के नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cents पीसेस, बड़े वाले 10 और द लिटिल वंस आर 5 और जो छोटे वाले हैं वो 5 cents के। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। वह अपने खेतों को निहारता रहा, उन पकी हुई फसलों को जिसमें कि फूल निकले हुए थे।
जो कि बारिश की चादर से ढक चुके थे. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो अलॉन्ग विद द रेन. वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगन टू फॉल. लेकिन तभी क्या, अचानक से तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले पड़ने लगे. दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. द बॉयज एक्सपोजिंग themselves टू द रेन ran out to collect the frozen pearls. ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के जैसे थे. लड़के बारिश में जाकर इन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने बाहर भागे. It's really getting bad now, exclaimed the man. वह आदमी चिल्ला पड़ा, अब वास्तव में मौसम खराब हो रहा है, ये बुरा हो रहा है. I hope it passes quickly, मैं उम्मीद करता हूँ ये बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएगा. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. एक घंटे तक घर पर, उस बागीचे में, उस पहाड़ी पर, उसके खेतों में, सारी घाटी में ओलावृष्टि होती रही. The field was white as if covered with salt. खेत एकदम सफेद हो चुका था, जैसे कि मानो नमक से ढक दिया गया हो. Not a leaf remained on the trees. पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी. The corn was totally destroyed. फसल पूरी तरह तबाह हो चुकी थी. The flowers were gone from the plants. पौधों से फूल गायब हो चुके थे. Lencho's soul was filled with sadness. लंचो का हृदय दुख से भर गया. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब तूफान गुजर गया, वह खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने बच्चों से बोला, A plague of locusts would have left more than this. अगर टिड्डियों ने भी इन फसलों पर आक्रमण किया होता ना, तो शायद इससे कुछ ज्यादा ही बच जाता. The hell has left nothing. लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा. This year we will have no corn. इस साल हमारे पास अनाज नहीं रहेगा. That night was a sorrowful one. वह एक बहुत ही दुख भरी रात थी. All our work for nothing. हमारी सारी मेहनत व्यर्थ गई. There's no one who can help us. कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है. We shall all go hungry this year. इस साल हम सब भूखे ही रहेंगे. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन सभी के हृदय में जो घाटी के मध्य उस अकेले मकान में रहते थे, उनके पास सिर्फ एक ही आशा थी. आशा कौन सी? भगवान से मिलने वाली सहायता की. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. यद्यपि ये पूरी तरह हानि प्रतीत होती है, परंतु परेशान मत हो. याद रखो, भूखों कोई नहीं मरता. That's what they say, no one dies of hunger. यही वो कहते हैं. क्या? भूखों कोई नहीं मरता. यानी दुनिया भी यही चीज कहती है कि भूखों कोई नहीं मरता. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed. पूरी रात लंचो अपनी केवल एक ही आशा के बारे में सोचता रहा. आशा कौन सी? भगवान की सहायता, जिसकी आंखें जैसे उसे शिक्षा मिली थी सब कुछ देखती हैं. यानी जैसे कि वो जानता था कि ईश्वर सब कुछ देखता है. सी एवरीथिंग, हर चीज देखता है ईश्वर. इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस, किसी इंसान के मन की गहराई में क्या है ईश्वर वो भी देख लेता है. लंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. लंचो बहुत ही मेहनती इंसान था, और यानी बैल की तरह वो खेतों में काम करता, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगिन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल. अगले रविवार सुबह होते ही उसने पत्र लिखना प्रारंभ किया, जिसे वह स्वयं लेकर डाक में जाएगा और उसे पोस्ट कर देगा. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. यह
भगवान को लिखे गए किसी पत्र से कम नहीं था. गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. भगवान, अगर आपने मेरी सहायता नहीं की तो मैं और मेरा पूरा परिवार इस वर्ष भूखे रह जाएगा. आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हैट डॉट. मुझे फिर से अपना खेत बोने और अगली फसल तक जिंदा रहने के लिए 100 pesos की जरूरत है. हेल स्टॉर्म के बाद डॉट है फ्रेंड्स, इसका मतलब उसने अपनी बाकी की कहानी को बयां किया उस पत्र में. जिसको भेजते हैं उसका एड्रेस मेंशन करते हैं. तो ये कहाँ भेज रहा था? भगवान के पास. तो उसने भी लिखा क्या? टू गॉड. पत्र को लिफाफे में डाला. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन. उसने लिफाफे के ऊपर लिखा भगवान को, पत्र को लिफाफे में डाला, अभी भी चिंताग्रस्त यानी टेंशन में, शहर की ओर चल दिया. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इन टू द मेल बॉक्स. डाकघर में उसने पत्र पर टिकट लगाकर डाक पेटी में उस पत्र को डाल दिया. वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड. कर्मचारियों में से एक जो पोस्टमैन खुद था तथा डाकघर में जिसने उसकी सहायता भी की थी, पूरी तरह से दिल से हंसता हुआ, खुल के हंसता हुआ पोस्टमास्टर के पास गया तथा भगवान को लिखे गए भेजे गए उस पत्र को दिखाया जो कि भगवान के नाम लिखा गया था. नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. अपने पूरे जीवन काल में जितने समय उसने नौकरी की, आज तक वह इस पता को नहीं जान पाया था. द पोस्टमास्टर अ फैट एमिएबल फेलो also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, what faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter. Postmaster जो कि एक मोटा और बहुत ही अच्छा इंसान और अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति तो था, वह भी जोर से हंस पड़ा लेकिन अचानक से सीरियस हो गया और पत्र को मेज पर पटकते हुए बोला, गजब का विश्वास है, मैं भी चाहता हूं मुझ में भी इस पत्र को लिखने वाले व्यक्ति जैसा ही विश्वास हो. स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान से उसने पत्र व्यवहार करने की कोशिश की. सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर. इसलिए नहीं कि लेखक का भगवान से विश्वास टूट जाए, बल्कि पोस्टमास्टर को एक विचार सूझा कि उस पत्र का जवाब दिया जाए. बट व्हेन ही ओपेंड इट, इट वॉज इविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर. परंतु जब उसने पत्र खोला, यह स्पष्ट था कि उत्तर देने के लिए उसे सद्भावना, कागज और स्याही से ज्यादा किसी और चीज की आवश्यकता थी. बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज. ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. परंतु वह अपने निश्चय पर दृढ़ रहा. उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा, उसने स्वयं भी अपने वेतन का एक भाग दिया तथा उसने अपने कई मित्रों से भी इस दान के कार्य में कुछ धन देने के लिए कहा. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pesos, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ. इकट्ठे 100 pesos एकत्रित कर पाना उसके लिए असंभव था, इसलिए वह किसान को आधे से कुछ अधिक धन ही दे पाया. ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड. उसने इस धन को एक लिफाफे में डाला तथा साथ में एक पत्र भी डाला जिसपे सिर्फ और सिर्फ एक शब्द के हस्ताक्षर थे, भगवान.
The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले रविवार को लंचो पहले से कुछ समय पहले ही यह पूछने के लिए आया कि उसका कोई पत्र तो नहीं है. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. पोस्टमैन ने स्वयं उसे पत्र दिया, जबकि पोस्टमास्टर ऐसे व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए जिसने एक अच्छा कार्य किया हो अपने कार्यालय से देखता रहा. लंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी सच एज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. धन को देखकर लंचो ने जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, ऐसा विश्वास था उसका, परंतु वह क्रोधित हो उठा जब उसने पैसे गिने. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lancho what he had requested. भगवान से ऐसी गलती नहीं हो सकती, ना ही वह उसकी प्रार्थना को अस्वीकार कर सकता था, यानी Lancho की प्रार्थना को. Immediately, Lancho went to the window to ask for paper and ink. तुरंत ही Lancho खिड़की पर गया कागज और स्याही मांगने के लिए. On the public writing table, he started to write. With much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. Public writing table पर जहाँ पर पत्र लिखते हैं उसने पत्र लिखना शुरू किया बहुत ही भावें चढ़ाकर, यानी नाराजगी का इजहार करते हुए. वह अपनी सारी भावनाओं को व्यक्त कर देना चाहता था. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked. जब पत्र उसने समाप्त कर लिया तो टिकट खरीदने के लिए वह खिड़की पर गया और टिकट को चाटा. एंड देन फिक्स्ड टू द एनवेलप विद अ ब्लू ऑफिस फिस्ट. फिर उसे लिफाफे पर मुक्का मार के चिपका दिया. द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट. जिस क्षण पत्र डाक पेटी में गई पोस्टमास्टर उसे खोलने के लिए गया. इट सेड, यानी पत्र में क्या लिखा था. गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी. जितना धन मैंने आपसे मांगा था उसमें से केवल 70 pesos ही मुझ तक पहुंच पाए हैं. सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच. बाकी बचा हुआ भी मुझे भेज दो क्योंकि मुझे उसकी बहुत जरूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल because the post office implies a bunch of crook. Lancho, लेकिन यह धन मुझे डाक द्वारा मत भेजना क्योंकि डाकखाने के कर्मचारी जितने भी हैं सब बेईमानों का समूह बैठे हैं. Lancho नीचे अपना सिग्नेचर करता है क्या. Lancho. ओके फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर डन किया इस चैप्टर को. लेकिन फ्रेंड्स एक चीज मैं आपसे हमेशा कहता रहूंगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू योर सर्च चैनल. ओके डियर, थैंक्स.